मैं झारखंड से एक छोटे से गांव से आया हूँ। मैंने बहुत चीजों का पढ़ाई की, बिजनेस आर्ट्स कॉमर्स बहुत चीजों का, फिर मैंने सनातन धर्म की पढ़ाई की। गुरुजी मैंने एक बहुत ही सनातन धर्म में कमी को देखा है। लोग कहते हैं कि सनातन धर्म को किसी विरोधी ने मिटा दिया, किसी ने लाया उसे कत्ल किया, हटा दिया, हमारे ग्रंथों को जला दिया। लेकिन गुरुजी जो हमारे पास एक शक्ति है कि हमारे माता पिता आज जो हमारे साथ बैठते हैं वो अपने बच्चे को घर से संस्कार दे सकते हैं। चाणक्य ने भी कहा है कि अगर संतान कुपात्र हो तो दोषी संतान नहीं उसके माँ बाप भी होते क्योंकि उन्होंने संस्कार बचपन में दिया नहीं। अगर बच्चे ने माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया तो उस माँ से भी एक बार पूछना चाहिए कि आपने बचपन में राम और भरत की गाथा क्यों नहीं सुनाई। सही है। हमारे शास्त्रों को मैंने पढ़ा, उतना ही मैंने इतिहास को पढ़ा। तीन काम मैंने देखा, किसी संप्रदाय, किसी राष्ट्र या किसी व्यक्ति को बर्बाद करना हो किसी संगठन को, तो तीन कार्य मुख्यतः कीजिए। उसके युवाओं को पहले उसके विरोध में खड़ा कीजिए। हमारे सनातन धर्म में हमारे ही युवा हमारे विरोध खड़ा हो गए। दूसरी चीज, अपने ही संस्कृति पर अपमान महसूस कराइए, ऐसे कि जैसे हमारा संस्कृति बहुत पिछड़ा है और हमें ऐसा कराया गया। हम वो हैं जो आज से हजार वर्ष पहले कहा कि विमान यानी उड़ने वाला एक वस्तु भी होती है। कल्पना भी करना जब संसार में मुश्किल थी तब हमने किया। 1771 ईस्वी में जब नवग्रहों की खोज हुई तब हमने 500 साल रामचरितमानस में राम जी के कुंडली में ग्रहों का वर्णन आ गया। ऐसे लोगों को जब पिछड़ा कहा जाता है और फिर कहते हैं इसके लिए युवा दोषी है, कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि नहीं, हमारे माँ बाप भी दोषी है। बिल्कुल। जब माना जाता है कि हमारे यहाँ कहा दिया गया कि महाभारत मत रखो, घर में लड़ाई होगी। मैंने तो ऐसा कहीं नहीं देखा कि महाभारत रखने से लड़ाई होती। अगर ऐसी परंपरा है तो मैंने गुरुकुल परंपरा को जब पता किया तो पता चला गुरुकुल में पहले महाभारत पहले पढ़ाया जाता था, क्योंकि महाभारत ही वो चीज है जिसमें बताया जाता है कि दुष्ट बेटा अगर दुर्योधन हो तो राजा को राजपद्धति देखना चाहिए, ना कि पुत्र मोह में पड़ना चाहिए। बिल्कुल। अगर पितामह जैसे, पिता भी अगर शत्रु की भाव रखे, अगर पिता भी गलत करते हुए पकड़े जाए तो उसे भी दंड देने में देर मत करो। नारी का अपमान करेगा तो कुल समेत नाश होगा। उस महाभारत जैसे ग्रंथ को हमने छोड़ दिया जिसमें हमें कहा कि अस्त्र उठा। गुरुजी हम हमेशा निंदा तो उसका करते हैं जिसने दूर से हमें बर्बाद किया। गंभीरता से अगर देखें तो हमारी गहराई में, हमारे चित्त में जिसने हमें ज्ञान की कमाई दी, कहीं ना कहीं हमारे लोगों ने इंग्लिश एजुकेशन के पीछे भागने से भी हमें किया। जब हम कहते हैं अपने बच्चों को जाओ बेटा इंग्लिश स्कूल में पढ़ो, वो बच्चा इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है और वो वहां सीखता है कि यू आर डोंट इंटरफेयर इन माय लाइफ, आप हमारे निजी जीवन में हस्तक्षेप मत कीजिए। तो वही लड़का को जब आप ये बात सही मान रहे हैं, जब ये शिक्षा दे रहे हैं, वही बच्चा अगर 30 साल की उम्र में अपनी पत्नी के कहने से अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ता है तो वहां फिर गलत कैसे? आपने ही तो उसे बचपन में कहा यू आर डोंट इंटरफेयर इन एनीबॉडी लाइफ, किसी की लाइफ में इंटरफेयर मत करो। आप जब सिखा रहे हैं तो आप वृद्धाश्रम में जाने के लायक है। तो गुरुजी मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति को किसी ने बर्बाद नहीं किया। इसीलिए मैं आज तमाम माताओं बहनों से, मेरी भी चैनल है, यूट्यूब चैनल है सनातन ज्ञान गंगा, पर उसमें उतने लोग नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से आज सनातनियों को कहना चाहता हूँ कि अपनी संस्कृति, तुम सरकार पर डिपेंड मत रहो, दूसरे पर नहीं। अपने घर में जब बच्चा जन्म ले तो उसे बताओ कि राम कौन थे, महाभारत क्या है, कृष्ण कौन थे। जब हमारे धर्म में कहा जाता है कृष्ण लंपट थे तब हमें दुख होता है, लेकिन इस बात को कहने वाला बच्चे को उसकी माँ ने ही नहीं जब सिखाया कि कृष्ण लंपट थे या नहीं तो हम कितने को समझाएं। ये तो हर घर में समझाने की आवश्यकता अपनी माँ बाप को है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि गुरुजी मैं इतना ही शब्द कहूंगा, मैंने ज्यादा कह दिया तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैंने सबसे अपील करता हूँ आपके माध्यम से हाथ जोड़ करके सभी सनातनियों से, अपने बच्चों को धर्म के प्रति लाएं और धर्म के ज्ञान घर से दे। ज्यादा नहीं पढ़ा सकते तो कम से कम राम कृष्ण की जीवनी ही बता दे, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी की इतिहास ही बता दे। इसलिए तो कहते हैं ना, हमारे चाणक्य ने बोला कि माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वह माता पिता शत्रु हैं अपने पुत्र के, जो माँ बाप अपने पुत्र को संस्कारवान नहीं बनाते, शिक्षित नहीं करते, अपने वेद पुराणों से वंचित रखा। हमारे देश में बहुत बड़ी कमी ये हो गई, जैसा कि आपने कहा कि युवाओं को सनातन के विरोध में खड़ा कर दिया गया, भड़का दिया गया। ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमारा आज मुसलमान कभी टोपी लगाने से हिचकिचाता नहीं है, मुसलमान कभी भी नमाज पढ़ने से हिचकिचाता नहीं है जी गुरुजी, पर हिंदू तिलक लगाने से और सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी हिचकिचा जाता है जी। ना तिलक लगाने को तैयार है
आज के युवाओं से पूछो कि क्या तुम्हें हनुमान चालीसा याद है, 100 में से 95 बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जिनको हनुमान चालीसा का श्री गुरु भी याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। अब देखो मदरसों में मुसलमान के छोटे छोटे बच्चों से जाकर पूछो तो वो अपने कुरान की आयतें पढ़ने शुरू हो जाएंगे, कुरान को जानते हैं, वो नमाज करते हैं। लेकिन हिंदुओं से पूछो कि भैया बताओ राम जी के पिता का नाम क्या था, नहीं बता पाते। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता क्यों सुनाई, किस परिस्थिति में सुनाई, ये सवाल कर लो तो नहीं बता पाएंगे। श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह क्यों किए, नहीं बता पाएंगे। रास क्यों रचाया गया, रास का सही अर्थ क्या है, नहीं बता पाएंगे। जी गुरु जी। कपड़े क्यों चुराए गोपियों के भगवान ने, नहीं बता पाएंगे। जबकि ये बातें माँ बाप को अपने बच्चों को समय रहते घर पर ही शिक्षित कर देना चाहिए। कथाओं से मैं सारी चीजें बताता हूँ, तुम ना बता पाओ तो कथा सुनवाओ अपने बच्चों को, कथाओं से उनको प्रेरणा मिलेगी। जय श्री मनारायण गुरु जी। राधेश्याम, बस मैं भी यही कह रहा था जो आपने कहा कि अपने बच्चे को स्वयं संस्कार दे, सही, बाकी कोई नहीं बिगाड़ सकता। राधेश्याम गुरु जी, सही है।